खुले शराब के ठेके, सरकार को शराब बिक्री से क्या फायदा, कितनी होती है हर साल कमाई, लॉकडाउन में कितना हुआ नुकसान, कोरोना का कहर है और लॉकडाउन की वजह से सिर्फ कुछ जरूरी दुकानों को खोलने की मंजूरी मिली है, लेकिन इन जरूरी में शराब के ठेके कब से आ गए? ये सवाल इस वक्त सबके मन में उठ रहा है कि आखिर शराब के ठेके खोलने की मंजूरी क्यों दी गई? देश में ज्यादातर प्रदेशों ने शराब के ठेकों को खोल दिया है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा गणित जानना बहुत जरूरी है। शराब की बिक्री क्यों जरूरी? दरअसल शराब और पेट्रोल ये दो ऐसे उत्पाद हैं जिन पर राज्य सरकारें अपनी जरूरत के हिसाब से टैक्स लगाकर सबसे ज्यादा राजस्व वसूलती हैं। सामान्य रूप से राज्य सरकार की मैन्युफैक्चरिंग और सेल पर एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं। कई राज्यों में इंपोर्टेड विदेशी शराब पर स्पेशल फीस, ट्रांसपोर्ट फीस और लेबल ब्रांड रजिस्ट्रेशन चार्ज भी लगाया जाता है। ज्यादातर राज्यों की 15 से 30 फीसदी आय शराब से होती है। सिर्फ शराब से ही राज्यों को हर साल 2.48 लाख करोड़ रुपए की कमाई होती है। ऐसे में अपने कोष को भरने के लिए अब शराब की बिक्री पर लगी हुई रोक हटा दी गई है। एक्साइज टैक्स के तौर पर कितनी कमाई? आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 के दौरान 29 राज्यों और यूटी दिल्ली और पौंडिचेरी ने शराब पर 1,75,501.42 करोड़ रुपए का उत्पाद शुल्क जुटाने का बजट रखा था। ये 2018-19 के दौरान इकट्ठे किए गए शुल्क 1,50,657.95 करोड़ से 16% अधिक था। 2018-19 में ही प्रति महीने जुटाए गए उत्पाद शुल्क के आंकड़े पर नजर दौड़ाएं तो राज्य ने लगभग 12,500 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, जो कि 2019-20 के प्रति महीने लगभग 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। चालू वित्तीय साल में ये प्रक्षेपण कोविड-19 के प्रकोप से पहले था। राज्यों को कमाई। आरबीआई की रिपोर्ट का कहना है कि 2019-20 में शराब पर एक्साइज ड्यूटी से होने वाली कमाई का बजट 1.75 करोड़ से ज्यादा का रखा था। रिपोर्ट के आंकड़ों से अगर अनुमान लगाया जाए तो पता चलता है कि 2018-19 में औसतन राज्यों ने एक महीने में 12,500 करोड़ एक्साइज ड्यूटी से कमाए। 2019-20 में ये कमाई 15,000 करोड़ तक पहुँच गयी। लॉकडाउन में हुआ नुकसान। पिछले वित्तीय साल में सभी राज्यों ने कुल मिलाकर करीब 2.48 लाख करोड़ रुपए, 2018 में 2.17 लाख करोड़ रुपए और 2017 में 1.99 लाख करोड़ रुपए की कमाई की थी। यानी कि 2019 के आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के पहले और दूसरे चरण में 40 दिनों के दौरान राज्यों को शराब से औसतन करीब 27,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लॉकडाउन में एक दिन में राज्यों को औसतन करीब 679 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शराब पर कोरोना टैक्स। दिल्ली सरकार ने शराब के शौकीनियों को तगड़ा झटका देते हुए इस पर 70% अतिरिक्त कोरोना टैक्स लगाने का ऐलान किया है। नया कर एमआरपी पर लागू होगा, इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस तरह 1,000 रुपए में मिलने वाली शराब की बोतल अब 1,700 रुपए में मिलेगी। इससे दिल्ली सरकार के राजस्व में वृद्धि होने की भी संभावना है। दिल्ली में शराब की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी।